चुनाव से पहले नशीले पदार्थों के तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को पकड़ के उनके पास से 5 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी सुदेश तिवारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत शासन चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने 15 किलो मादक पदार्थ गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सदन कुमार वैश्य अपने साथी सुमेश कुमार वैश्य उर्फ गुड्डू के साथ बिना नंबर की निशान मैगेट कार से एवं इन्हीं का साथी अर्जुन नामदेव अपनी स्विफ्ट डिजायर से छत्तीसगढ़ से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहे थे, जिस पर एक्शन लेकर इन्हें पकड़ा गया। वहाँ पे मुखबिर को सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है कोई पहले से ही पुलिस के पास एक रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ से कुछ लोग गए हुए हैं जो छत्तीसगढ़ से जो है गांजा लेके आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा वो सूचना काफी गंभीरता से लेते हुए लगभग 10 से 12 घंटे की वहाँ एम्बुस लगाई गई और उस एम्बुस के उपरांत जो है लगभग 3 आरोपी जो है वहाँ से पकड़े गए। उनके पास से जो गांजा जब्त हुआ लगभग 13 kg गांजा उन 2 व्हीकल से जब्त हुआ है। दोनों व्हीकल भी जब्त किए गए हैं और 2 किलो गांजा जो है एक महिला से जब्त हुआ है जिसको उन्होंने अलग से दे दिया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।